दिल्ली में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। यहाँ श्री कृष्ण के मंदिरों को सजाया गया है। तेगीपुर गांव के आशुतोष शिव मंदिर में भी तैयारियां पूरी हैं। यहाँ रविवार रात 12 बजे से सोमवार रात 12 बजे तक कृष्ण लीला और संस्कृति आयोजन होंगे। आपको बता दें, कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। तिगीपुर गांव का आशुतोष शिव मंदिर, जिसे जन्माष्टमी के अवसर पर सजाया सवारा गया है। मंदिर में कान्हा जी की पालकी लगाई गई है, जहां कान्हा जी विराजमान होंगे। नंदलाल के जन्मोत्सव को देखते हुए भक्त आनंद में डूबे हैं। कोरोना के चलते पिछले साल मंदिरों में उत्सव नहीं मन पाया था, लेकिन इस साल कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को मंदिरों में अनुमति दी गई है। जन्माष्टमी का पर्व आ चुका है और जन्माष्टमी के पर्व पर दिल्ली के तमाम मंदिरों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तिगीपुर श्री आशुतोष मंदिर में मैं मौजूद हूं। इस मंदिर को आप देख सकते हैं, यहां पर भी जो तैयारियां हैं वो लमसम की जा चुकी हैं। और आपको बता दें, आज रात करीब 12 बजे से शुभ मुहूर्त शुरू होगा, उपवास का समय शुरू होगा, जो भगवान श्री कृष्ण को लेकर एक जो उपवास रखा जाता है। और कल रात 12 बजे यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। आपको बता दें, यहाँ एक दरबार बनाया जा रहा है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की एक पालकी लगाई जाएगी। और साथ ही इधर मैं आपको दिखा दूं, यहां पर एक प्रांगण के अंदर एक मंच लगाया जाएगा। वहीं ग्रामीणों का कहना है, पिछले साल भी जन्माष्टमी मनाई गई थी, लेकिन कोविड नियमों का ध्यान रखा गया था। इस साल भी कोरोना नियमों का पालन किया जाएगा। पिछले वर्ष भी ये कोरोना चला हुआ था, पिछले वर्ष भी हमने जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई थी कोविड नियमों का पालन करते हुए। अभी कोविड लाइन गवर्नमेंट की सरकार की तरफ से क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन हम यहाँ मंदिर में सावधानी बरते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और जो है ये हैंड सैनिटाइजर वगैरह से। और इधर जो ये हमारे लड्डू गोपाल जी का अभिषेक चलेगा, हमारे कृष्ण भक्त दिग्विजय जी वो इसको देखेंगे, और इधर स्टेज का हम जो है लगने वाली है उस पर स्टेज पर भजन। आशुतोष शिव मंदिर के पंडित रविंद्र वत्स ने बताया है, श्रीनाथ जी का 108 कलशों से अभिषेक किया जाएगा। इसमें सभी नदियों का जल, पंचामृत, सात फलों का रस, जड़ी बूटियों का रस शामिल रहेगा। श्रद्धालु रात 9:30 बजे से दर्शन कर सकेंगे। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन होंगे। मंदिर में दूसरे दिन नंदोत्सव मनाया जाएगा। इसमें भजन संध्या और बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस बार शैव और वैष्णव अनुयायी एक दिन ही जन्माष्टमी मनाएंगे। आज भानु सप्तमी है, जिस तरह सूर्य सोमवती मास होती है, इस तरह पांच दुर्लभ समय हो गए किसी ब्राह्मण से पूछने की जरूरत नहीं। भानु सप्तमी यानी भानु यानी सूर्य का दिन, सूर्य सात घोड़े पर सवार है। आज सूर्य भानु सप्तमी, आज सारे दिन सवार स्थिति हो गए, जो कुछ करोगे उसका असंख्य का फल मिलेगा। जब तब पूजा पाठ, इस तरह सोमवार को अमावस्या कम पड़ती है, मंगलवार को अष्टमी, बुध मंगलवार को चतुर्थी, बुधवार को अष्टमी और गुरुवार को पुष्य नक्षत्र पड़ता है। जो कुछ भी इस समय जब तब ताप जो कुछ किया जाता है उसका असंख्य गुण फल मिलता है। कल जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी भी एक है, कल रात्रि पर्यंत तक जन्माष्टमी। ऐसे में लोगों से जन्माष्टमी का उल्लास सावधानी से मनाने की अपील की जा रही है, जिससे जन्माष्टमी मनाने के साथ साथ लोगों को सुरक्षित भी किया जा सके। लाल यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि जो अब ये जन्माष्टमी का पर्व है वो कोविड 19 के नियमों के अनुसार ही बनाएंगे, चाहे दिल्ली सरकार की कोई गाइडलाइन आए या ना आए। फिलहाल जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आज रात 12 बजे से ये पर्व शुरू होगा, कल रात 12 बजे तक रहेगा। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।